नेपाल की धरोहर। इन तक पहुंचना हो तो तंग गलियों से कड़े परीक्षण के बाद ही इन तक पहुंचा जा सकता है। खैर, इन धरोहरों के बारे में फिर कभी। इस बार हम बात करते हैं दोस्त मोहम्मद खान से जुड़ी विरासतों और उनके वंशजों की। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि हम बात करेंगे फतेहगढ़ किले की या फिर गन्नौरगढ़ से रानी कमलापति महल से जुड़े किस्से कहानियों की। नहीं जनाब, हम रुक कर रहे हैं बैरसिया रोड का। भोपाल और बैरसिया के लगभग बीचों बीच बसा है इस्लाम नगर। भोपाल शहर से 14 किलोमीटर दूर, लेकिन मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि कब भोपाल की सरहद खत्म हुई और कब हम इस्लाम नगर पहुंच गए। धीरे धीरे वक्त की धूल जिस तरह से इन धरोहरों पर चढ़ती जा रही है, उससे भी कई तेजी से इसके इर्द गिर्द बसाहट बढ़ती जा रही है। इस्लाम नगर के ये किले जितनी समतल जमीन पर है, इसका इतिहास उतना ही टेढ़ा मेढ़ा है। इस्लाम नगर पहले किले बंद जगदीशपुर नगर नाम से जाना जाता था और गौंड शासक इसे सुरक्षा की दृष्टि से उत्तम मानते थे। यही वजह है कि यहाँ पर ये दीवारें बनाई गई हैं। ऐसे फोर्टिफिकेशन वॉल या परिकोटा कहते हैं, किला परिकोटा। इसी पर हम विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ पुरातत्वविद आशुतोष उप्री जी हैं। आशुतोष जी, किसी भी किले की जब हम बात करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, प्रवेश द्वार हो, बुर्ज हो, दीवारें हो, एक खास महत्व इनका होता है। सबसे पहले अगर हम इस किले के, इस्लाम नगर के इस प्रवेश द्वार की बात करें, क्या कहना चाहेंगे, क्या महत्वपूर्ण है? देखिए, जैसे ही हम किले का जिक्र करते हैं तो निश्चित तौर पर सुरक्षा उसमें सबसे पहली एक कड़ी है जो जुड़ती है। और किसी भी किले की सुरक्षा के लिए सबसे पहले उसका बंद होना, यानी चारों तरफ से बंद होना बहुत ज़रूरी है, और उसका एक प्रवेश द्वार होना चाहिए जहाँ से कि ये स्थिति क्लियर हो कि प्रवेश यहीं से है। उसके बाद बुर्ज, जैसे ये बुर्ज दो तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। एक तो ये इस बुर्ज में जो सैनिक रहते हैं वो राजा के लिए एक सुरक्षात्मक ढांचा बना देते हैं। करीबन 20 से 25 सैनिक एक साथ रह सकते हैं जो कि आपको नहीं दिखेंगे। सामने यदि कोई एनिमी है तो उसे नहीं दिखेंगे कि उसमें सैनिक हैं। और ये लगभग 8 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैली हुई है पूरी दीवार। इस दीवार के जस्ट पैनल एक नाला टाइप का बना हुआ है, नदी, एक छोटा सा लोकल नदी टाइप की है वो, उसमें पूरे टाइम पानी रहता है और उसमें कई तरह के जानवर भी रहते हैं। हम कोई भी आमतौर पे किला देख लें तो हमें बहुत ऊंचा चढ़ना होता है, सीढ़ियाँ होती हैं, लेकिन इस्लाम नगर का ये जो किला है ये समतल ज़मीन पर है, और समतल ज़मीन पर शायद सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा चीज़ों को संभालना या उसके लिए ब्लॉकेज क्रिएट करना। आप कहीं ऊँचाई पर नहीं हैं और एनिमी किधर से भी आ सकता है, तो ये चार दीवारी नितांत आवश्यक हो जाती है उस किले के प्राचीर के लिए, उस किले की सुरक्षा के लिए। इस्लाम नगर के किले के अंदर जाने से पहले यहाँ के वास्तविक शासकों यानी गौंड शासकों के द्वारा बनाए गए गौंड महल को देखना और जानना बेहद जरूरी है, वरना इस्लाम नगर के इतिहास को जानना कुछ अधूरा सा रह जाएगा। इस जगह को जगदीशपुर के नाम से ही जाना जाता था, गौंड लोगों के आधिपत्य में था। किंतु जगदीशपुर गढ़ी जो है इसमें नरसिंह देवड़ा, देवड़ा राजपूत लोग इसकी देखभाल किया करते थे, इसकी सुरक्षा किया करते थे, और वो ही इस गढ़ी के प्रमुख सिपाहसालार भी हुआ करते थे। इसमें भी लगभग दो पार्ट हैं, दो सेक्शन हैं। एक सेक्शन जिसमें कि निवास के लिए पूरा उपयोग किया जाता था, ये जो सेक्शन देख रहे हैं आप ये पूरा निवास का है जिसके चारों तरफ कक्ष इत्यादि निर्मित हैं। और ये उन राजाओं की निवास की स्थली था। सामने की तरफ
जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये जो जगह है ये रानी के बैठने के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी। वो आप देख रहे हैं उसमें वो एक छतरी नुमा डोम बना हुआ है बहुत खूबसूरत, उसमें एक झीना सा पर्दा लगाया जाता था जिससे कि रानी के बैठने की उस पर्दे में व्यवस्था थी। और इसी के साथ आप चलते हुए आ जाएंगे तो ये पूरा एक दालान है जिसमें कि वो सारा कार्यक्रम आयोजित हुआ होता था और सभी लोग इसका आनंद लेते थे। बिल्कुल, तो यहाँ पर वो कार्यक्रम होता था और वहाँ से जो रानी है हाँ, वो इसका लुफ्त उठाती थी। और ठीक इसके सामने की आप पोर्शन देख रहे हैं जो कि एक और छतरी नुमा वो बना हुआ है जिसमें राजा विराजमान होते थे। चौदहवीं शताब्दी में जो गौंड राजा था वो फुहार स्नान यानी कि शॉवर लेता था। आइए मैं उसका एक नज़ारा आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो कक्ष है ये फुहार स्नान के लिए उपयोग किया जाता था और इसमें अंडरग्राउंड टेराकोटा पाइपलाइन है। ये नोजल्स आप चारों तरफ लगे हुए देख रहे हैं कॉपर के, ये नोजल्स से चारों तरफ से यहाँ पानी गिरता था। और उस समय में जो राजा थे या जो भी उनके परिवार के लोग थे वो शॉवर बात लेंगे। तो हम आगे का रुख करते हैं, अब इस्लाम नगर के किले की ओर चलते हैं। किसी भी शासक की अपनी एक रणनीति होती है, दोस्त मोहम्मद खान की क्या रणनीति थी उसके बारे में भी आपसे जान लेना चाहेंगे। वो औरंगजेब की सेना में एक सैनिक के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं शुरू की और इसके साथ यानी एक छोटी सी नौकरी से शुरू किया जिस व्यक्ति ने, और वो आके आखिर एक दिन एक शासक बन जाता है। कहते हैं कि सरदार दोस्त मोहम्मद ने ताहल नदी के किनारे राजपूत सरदारों को बुलाया और उन्हें एक टेंट में दावत दी। और जैसा कि पहले से तय था, जब दोस्त मोहम्मद बाहर गए इत्र लेने के लिए और पान लेने के लिए, तब उनके सेवकों ने उस टेंट को की रस्सियों को काट दिया और सारे राजपूत सरदार जो हैं हलाल कर दिए गए। तभी से वो ताहल नदी हलाली नदी कहलाने लगी। दोस्त मोहम्मद का शासन सन 1708 में शुरू हुआ। सबसे पहले इस्लाम नगर में एक किले का निर्माण किया जिसे हम इस्लाम नगर के नाम से जानते हैं। उन्होंने उसका नाम जगदीशपुर से बदलकर इस्लाम नगर किया। यहाँ उन्होंने किले के अंदर एक रानी महल बनवाया, चमन महल बनवाया, चमन महल में एक चार बाग और एक हमाम भी बनवाया। और अब जो है यहाँ से हम आगे बढ़ना चाहेंगे और जाना चाहेंगे चमन महल की ओर। चमन का शाब्दिक अर्थ निकल के आएगा तो एक हरा भरा महल। उन्होंने एक महल जो कम पैसों में बन जाए और खूबसूरत भी हो तो इसको मानते हुए उन्होंने एक इस महल की रचना उस समय की और इसको एक मुगल गार्डन के साथ जोड़ा और इसको नाम पड़ा चमन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे चार बाग की। नाम से तो समझ में आता है बाग है, बगीचे हैं, लेकिन चार बाग है तो क्या वाकई में चार बाग हैं? ये चार बाग जो है वो मुगल गार्डन्स की एक शैली है। अच्छा। और मुगल गार्डन्स को इंडिया में सबसे पहले बाबर लेकर आए। बाबर ने सबसे पहले मुगल गार्डन्स जो दिल्ली में बनवाया और उसके बाद से मुगल गार्डन्स हिंदुस्तान में बनना शुरू हो गए। उसी का एक नमूना जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मुगल गार्डन चार बाग शैली कहलाती है जिसको एक स्क्वायर को चार स्क्वायर में डिवाइड करते हैं। पूरी प्रोसेस होती है उसमें, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, फाउंटेन्स होते हैं। और पानी किस तरह से आता है, वो जो पूरा प्रोसेस है? पानी का पूरा स्रोत यही था, इसी टैंक में जो पानी होता था उससे ही पूरे महल को पानी की सप्लाई, और ये सारे फाउंटेन्स भी जो आप देख रहे हैं फव्वारे इसी के प्रेशर से रन करते थे।
ये जो आप एक पोर्शन देख रहे हैं, इसमें से पानी एक प्रेशर से बाहर आता है जो इन सारे इसके ऊपर से होके जाता है, जिसे कि कहा जाता है चीनी खाना, जिसमें कि कई तरह के खूबसूरत फूल रखे जाते हैं और इसमें कई तरह की इत्र इसमें रखे जाते हैं। शाम के वक्त और रात के वक्त इसमें खूबसूरत मोमबत्तियाँ रख दी जाती हैं जो कि इसकी खूबसूरती में और चार चांद लगाती हैं। यहाँ से एक नया अध्याय जिसको कह रहे हैं आपकी शुरू होता है। ये जो जगह है इसको मसनद कहा जाता है और राजा या नवाब जब भी दरबार लगाते हैं तो इस जगह का वो उपयोग करते हैं। तो यहाँ दरबार, यस, ये आप देख रहे हैं ऊपर ये होल्स बने हुए हैं स्टोन के अंदर, इसमें टेंट्स लगाए जाते हैं। आजकल की फाइव स्टार कल्चर का एक बेहद अहम हिस्सा है स्टीम बाथ। कई लोग होते हैं जो बेहद शौकीन होते हैं और स्टीम बाथ लेने जाते हैं। दोस्त मोहम्मद खान भी बेहद शौकीन मिजाज हुआ करते थे, उन्होंने भी यहाँ पर एक हमाम बनवाया था। ख़ास बात यह है कि ये हमाम आज भी वर्किंग है। इनफैक्ट पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसे हमाम शेष है जो आज भी वर्किंग है, एक इस्लाम नगर का और एक तुर्की का। अभी हम जिस जगह हैं ये मेन हमाम है जिसमें कि स्टीम बाथ यानी भाप से स्नान किया जाता है। ये पर्टिकुलर डोम और इसकी जो थिकनेस है वो 2.5 से 3 फीट की थिकनेस है और इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है लाइम की 3rd कैटेगरी, ब्रिक्स पाउडर, गोंद, उड़द की दाल, गुड़ का शीरा, बेल, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें एक स्थिति होती है कि मॉइस्चर को बाहर जाने में और अंदर आने में लगभग 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। तो स्थिति ये बनती है कि यदि बाहर बहुत गर्म है तो ये अंदर ठंडा रहता है और यदि बाहर बहुत ठंडा है तो ये अंदर गर्म होता है। ये इनके हमाम का मेन टैंक है। इसमें आप देखेंगे बीच में एक कॉपर का बहुत बड़ा प्लेट लगा हुआ है और इसी के साथ पीछे की तरफ लगी हुई एक भट्टी है जिसमें लकड़ियाँ जलाई जाती थी। ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये जिसमें अभी टाइल्स लगा हुआ है ये बाद में लगाया है। हाँ। तो इस पोर्शन, ये पोर्शन मसाज के लिए होगा। इतने सारे शीशे लगे हुए हैं यहाँ पे। स्टीम बाथ लेके नवाब या बेगम इस रूम में आते थे तो यहाँ बीच में लकड़ी की एक चौकी होती थी जिसपे उनको बैठाया जाता था कुछ इस तरह से, वो किसी भी एंगल से अपने आप को देख सके, इसलिए ये मिरर्स डाउनसाइड है। दोस्त मोहम्मद खान जो है शौकीन तो थे ही, लेकिन उनके शौक से ये जो एक इजाद हुआ था, एक ये हमाम जो उन्होंने बनाया, वो आज भी एक मिसाल है सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए। ये खास बात है। ये एक फव्वारा ही है। इसके यहाँ पे बनाने का मतलब है कि जब आप ड्रेसअप होकर वहाँ से निकल रहे हैं तो इसमें पर्टिकुलर डे नवाब साहब की एक परफ्यूम जो होती है, खुशबू होती है, जैसे इत्र तो वो इत्र की इसमें समावेश किया जाता था पानी के साथ, वो अपने आप स्प्रे होता होगा था। Okay. और इस पूरे पोर्शन में वो खुशबू महकती थी। बाग से जब आप निकल के रानी महल की ओर जाते हैं तब ये दरवाज़ा आता है, इस दरवाजे के पार है रानी महल, लेकिन उसके बीच में यहाँ पर बगीचा बनाया गया है एक और इसको बजाने की जो वजह है वो ये कि एक बफर जोन के तौर पे सुरक्षा की दृष्टि से इसे बनाया गया है, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम किए जाते थे, दिमाग लगाया जाता था। तो बगीचे का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए ये अपने आप में खास है। इस वक्त
हम रानी महल के मुख्य प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। ये प्रवेश द्वार आप देख सकते हैं, बेहद मजबूत है, बहुत हैवी है। तो क्या किस तरह से हम इसे समझे, क्योंकि रानियां रहती थी इसलिए बेहद पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। आपको रानी महल के अंदर यदि जाना है तो आपको लगभग 6 दरवाजों से गुजरना होगा, तब आप रानी महल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये रानी महल का मुख्य प्रवेश द्वार है। दूसरा जो अभी यहाँ पर अस्तित्व में नहीं है, ये दूसरा नंबर दरवाज़ा होता था, और तीसरे दरवाजे से हम अंदर आ चुके हैं। इस तीसरे दरवाजे के बाद पुरुष जो सुरक्षाकर्मी होते थे उनकी भी एंट्री नहीं होती थी। जो किन्नर लोग हुआ करते थे उन वो भी सुरक्षाकर्मी की तरह तैनात किए जाते थे यहाँ पर, और इस दरवाजे के बाद से पूरी सुरक्षा व्यवस्था उनके हाथों में आ जाती थी रानी महल। दरवाजे हमने क्रॉस कर लिए हैं और अब ये रानी महल है, बेहद खूबसूरत है। ये जो शैली है ये गोंडवाला शैली में आता है, ये इसको हम लोटस लीफ कहते हैं। निवास के लिए ये जगह बनाई गई है, ये सब हवादार हैं यहाँ पर, प्रॉपर मतलब पूरी तरह से रोशनी है, सारी चीज़ें उन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाई गई हैं, जिस विशेषकर महिलाओं के उपयोग में जिन चीज़ों का सर्वाधिक उनको महत्व होता होगा, जिसके लिए वो उनको बाहर बार बार ना जाना पड़े और उनको वो सारी सुविधाएं लगभग इस प्रमाइसिस में ही मिल जाए। ये सारा जो आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है या जहाँ पे जो कार्विंग्स देखने को मिल रही हैं, इसमें सर्वाधिक गोंड शैली का प्रभाव है। इसी तरह इस पूरे प्रमाइसेस में लगभग 85 इस तरह के आलिंद हैं, और वो सब अलग अलग डिजाइन हैं। महल जो है एक बड़े से मकान का नाम, जो जुड़े हैं नवाबों, सुल्तानों और सम्राटों से, लेकिन आखिर वो भी तो इंसान ही थे, तो एक तरीके से ये किला था उनका घर। लेकिन अब ये है सिर्फ पत्थर, मिट्टी के कंकाल, खंडहर इमारत। आत्मा तो इनमें से कब की चली गई थी, लेकिन इस किले में उस जमाने में जो जो भी होता था उसका एहसास आज भी मिलता है। रानी महल का दूसरा तल, यहाँ से ये पूरा किला नजर आता है, आसपास का क्षेत्र दिखाई देता है। मैं जहाँ पर खड़ी हूँ वहाँ पर किन्नरों की जो सैनिक हुआ करते थे उस दौर में, वो सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कांधों पे संभाले हुए खड़े रहा करते थे। हालांकि आसपास जो एक सुकून का माहौल उस दौर में हुआ करता था वो अब बदल चुका है अतिक्रमण की वजह से। बसाहटें यहाँ पर लगातार पड़ रही है, एक दाग जरूर है वो इस किले के लिए। किला तो आज भी बरकरार है, पुरातत्व विभाग ने इसे बरकरार रखा है, लोग यहाँ पर आते भी हैं, उस जमाने में जो कुछ यहाँ हुआ होगा उसे महसूस करने की, समझने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन ये जो एक चिंता का विषय है, यहाँ पर बढ़ता अतिक्रमण, आसपास के क्षेत्रों में बढ़ती बसाहटें, वो भी शायद कभी दूर हो पाए, सुकून कुछ उसी दौर का, उसी समय का एक बार फिर से लौट पाए, यही उम्मीद।